कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद 4 दिन गुजर चुके हैं। कई सबूत, कई सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, लेकिन अब तक इस हत्याकांड में पुलिस क्या क्या कर रही है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। तो शीघ्र पकड़े जाएंगे, हम पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और अदालत से मांग करेंगे कि जो मैक्सिमम सजा है मृत्युदंड, वो हत्यारों को मिले। अभी आपने यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक का बयान सुना। कमलेश तिवारी हत्याकांड में बृजेश पाठक आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने का दावा जरूर करते नजर आए, लेकिन हकीकत में क्या यूपी पुलिस सरकार की कोशिशों को पूरा कर भी पाएगी, ये बड़ा सवाल है। योगी से मुलाकात के बाद कमलेश तिवारी की पत्नी ने भले ही पुलिस की जांच पर भरोसा जाहिर किया हो, लेकिन कमलेश तिवारी की मां ने पुलिस की जांच पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। महाराज जी आश्वासन दिए कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे, हत्यारों को जल्द से जल्द हम फांसी की सजा दिलवाएंगे। उम्मीद है महाराज जी से कि करवाएंगे। 24 घंटा में हत्यारे पकड़े गए हैं, देखिए 4 दिन हुई गए तो कौन बयान हम दे पंडित जी। 4 दिन से रास्ता देख रहे हैं, अन्न पानी छोड़े, आज खबर यही सुबह आवत है, शाम का पकड़े दिए, शाम का सुबह आज वहाँ सहजानपुर में मिले, आज वहाँ मिले, आज में निर्दोष पकड़ दिखा दे, मारी दूर उड़ाने का बोली भैया। कहने को तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से कमलेश का परिवार कितना संतुष्ट है, ये कमलेश तिवारी की मां के बयान से साफ हो गया। मगर वजह क्या है कि एक तरफ यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ चरखारी विधानसभा सीट से बीजेपी के ही विधायक बृजभूषण राजपूत ने राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीड़ित परिवार इंसाफ चाहता है और सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, कमलेश तिवारी जी के परिवार के साथ खड़ी है। हत्यारों को शीघ्र पकड़ा जाएगा, मैं शीघ्र का मतलब कुछ घंटों के अंदर, हम लोग लोकेशन मिल रही है लगातार, आप अखबारों में भी आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसलिए बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन शीघ्र पकड़े जाएंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश में बहुत से विषय हैं और बहुत से ऐसे हिंदूवादी नेता हैं जो लगातार हिंदुओं की रक्षा के लिए उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं और उनको उनकी बात को महत्व नहीं दिया जाता है और प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करता है और लगातार ऐसे हिंदू नेताओं को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उसमें भी प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रहा है। अगर पुलिसिया जांच की बात करें तो कमलेश तिवारी के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें इधर उधर भटक रही हैं। 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ने का दावा अब 3 दिन में बदल चुका है और पुलिस के हाथों से मुख्य आरोपी आज भी दूर ही हैं। हर रोज नए सीसीटीवी वीडियो सामने जरूर आ रहे हैं, लेकिन आरोपी अभी भी पहुंच से दूर ही हैं। इसी बीच कांग्रेस ने इस हत्याकांड पर कानून व्यवस्था के बहाने सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। आपने देखा है कि जो नए स्टैटिस्टिक्स आए हैं, इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम पोजीशन में है इस मामले में कि महिलाओं पे कितना अपराध हो रहा है, तो सरकार को कुछ चेक करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। गुस्सा सिर्फ कांग्रेस नहीं, लखनऊ में भी है। कमलेश तिवारी हत्याकांड के खिलाफ इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर हिंदू सभा और शिवसेना के कार्यकर्ता उतर आए। लखनऊ के जीपीओ में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो साथ ही हिंदू सभा ने कमलेश के परिवार के लिए मुआवजे की मांग भी उठाई। कमलेश तिवारी जी को आर्थिक 5 करोड़ रुपए की मदद की जाए, उनके परिवार वालों को शस्त्र लाइसेंस उनको दिया जाए, परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और लखनऊ में आवास दिया जाए और हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी होकर उन्हें फांसी दी जाए। आईएसआईएस की तरह गर्दन रेती जा रहे हिंदूवादी नेताओं की, तो आप समझ सकते हैं कितनी विसंगतियाँ आ गई हैं जनपद में कानून व्यवस्था को लेकर। हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि इसको अविलंब खोलें और सरकार से मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो। कमलेश के कातिलों को पकड़ने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी कुछ लगा नहीं है। हाँ, कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ सुराग जरूर हाथ लगे हैं, लेकिन आरोपियों का अता पता बिल्कुल नहीं है।
एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जरूर पेश कर दी, लेकिन सभी अपराधी कब तक पुलिस गिरफ्त में होंगे ये सवाल अब भी बरकरार है। और इन सब के बीच कई सारे सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। संदीप खेर, लखनऊ ब्यूरो, R9 टीवी। कमला तिवारी अमर रहे, कमला तिवारी अमर रहे।